आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया, निम्नलिखित उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर विचार करें। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दिया गया जो है ए जो गैस है, बी जे अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न क्या करता है, ए बी गैस। और हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में हमें ये कहा गया है प्रतीप अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा से 2RT अधिक है। मतलब कि दोनों का अंतर 2RT दे रखा है। सक्रियण ऊर्जा को EA से लिखते हैं, तो EA और EAB माइनस EAF का अंतर दे रखा है प्रश्न में 2RT, क्योंकि ये 2RT अधिक है EAB EAF से। तो आइए अब हमें यह भी प्रश्न में दिया गया है 4 घातांक के गुणन का अनुपात। ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है अग्र अभिक्रिया के पूर्व 4 घातांक की गुणन प्रतीप अभिक्रिया के पूर्व 4 घातांक की गुणन से 4 गुना है। मतलब कि AF बटे AB भी प्रश्न में दिया गया है 4 है। 4 घातांक की गुणन को A से लिखते हैं, A से लिखा जाता है। तो आइए अब हमें क्या करना है, डेल्टा जी नोट का मान ज्ञात करना है। डेल्टा जी नोट के संबंध में एक सूत्र होता है, वो होता है माइनस RT ln KEQ। और हमें RT का मान तो प्रश्न में दिया ही गया है, तो हमें KEQ का मान ज्ञात करना है बस। तो K के संबंध में एक सूत्र होता है, K बराबर में A गुणे E की घात माइनस EA बटे RT। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, K F बराबर में A F गुणे में E की घात माइनस EA F बटे RT। ऐसे ही हम ऐसे KB भी लिख सकते हैं, F की जगह बस B लगाना है। KB बराबर में AB गुणे में E की घात माइनस EA B बटे RT। और दोनों का अगर हम अनुपात ले लें KF बटे KB, तो वो क्या होगा, AF बटे AB गुणे में E की घात माइनस EA F बटे RT और E माइनस EAB बटे RT। अब हमें ये भी पता है KF बटे KB, ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है, KF बटे KB वो होता है KEQ। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, KF बटे KB होता है KEQ। आइए हम इसे लिख देखते हैं KEQ। और AF बटे AB प्रश्न में दिया गया है, AF बटे AB प्रश्न में दिया गया वो है 4, जो हमने पहले ही लिख दिया है। वो क्या है, 4 दिया गया है। तो आइए इसको हम 4 लिख देते हैं, 4। ये क्या हो जाएगा, गुणे E की घात EAB घटा EAF बटे RT। और हम ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न में हमें ये भी दिया गया है EAB घटा EAF का मान जो है 2RT। ये देखिए 2RT। तो हमने इस जो भी प्रश्न में दिया गया था सबसे ऊपर लिख लिया था। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिखेंगे 2E की घात 2RT बटे RT। तो जो हो क्या होगा, 4 गुणे E की घात 2, क्योंकि RT से RT भाग हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, KEQ तो ये हो गया। और हमें डेल्टा जी नोट का सूत्र पता है, डेल्टा जी नोट क्या होता है, घटा RT ln KEQ। अब हमें RT का मान भी पता है, KEQ का भी मान पता है, तो सब का मान सूत्र में डाल देंगे, फॉर्मूले में डाल देंगे। तो आइए RT का मान हमें पता है क्या है, पहले RT को ऐसे ही रहने देते हैं, ln KEQ का मान हमने जो निकाला 4 गुणे E की घात 2, तो माइनस RT। और अब ln की एक प्रॉपर्टी होती है, ये सूत्र भी कह लें, ln m गुणे n जो होता है वो होता है ln m जमा ln n। तो वो हम सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, ये एक सूत्र है और एक और सूत्र होता है वो भी यहाँ पे प्रयोग होगा, ln m की घात n, वो होता है m आगे n आगे आ जाता है और अंदर बसता है ln m। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसे। दोनों का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ln m गुणे n क्या होता है, m प्लस n, तो ln 4 जमा ln e की घात 2। और ln 4 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस RT। और ये ln 4 को लिख सकते हैं ln 2 की घात 2 जमा ln e की घात 2 और माइनस RT। और 2 आगे आ जाएगा, जो ये इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करके m की पावर n वाली प्रॉपर्टी का प्रयोग करके n जैसे आगे आता है तो 2 आगे आ जाएगा ln 2, ऐसे ही 2 आगे आ जाएगा ln e। और अब हमें माइनस RT, RT का मान तो पता है, माइनस RT का मान क्या है 2500 प्रश्न में दिया गया है, और 2 और ln 2 का मान भी प्रश्न में दिया गया है 0.7।
जमा दो LNE का मान एक होता है, आगे क्या होगा, माइनस 2500 गुणे में 2 गुणे में 0.7, 1.4 जमा 2, और फिर बराबर में माइनस 2500 गुणे में 1.4 जमा 2, 3.4, तो फिर 3.4। अब हम क्या करेंगे, 2 0 लिख लेंगे, 2 0, अब 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, तो 0 हासिल 10, 25 75, 10 85, आगे माइनस का निशान और दशमलव एक संख्या के आगे, तो आंसर क्या आएगा, -2500 जूल। तो ये हो गया हमारा प्रश्न हल। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।